अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रूट कस्टर्ड। इसके लिए मैंने लिया है ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। ये 5 टेबल स्पून है और वेट के हिसाब से 30 ग्राम, और ये 12 टेबल स्पून शक्कर है और वेट के हिसाब से ये है 130 ग्राम, और ये 1 लीटर फुल क्रीम दूध। सबसे पहले हम दूध को खोला लेते हैं। थोड़ा सा हम ये दूध निकाल लेते हैं इसका पेस्ट बनाने के लिए। इसका हम ये पेस्ट बना लेते हैं। दूध हमारा बॉयल हो चुका है, अब हम ये शक्कर डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते जाएंगे, और चुकी है अब हम ये कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। लगातार चलाते हुए इसको डालेंगे, वरना ये लम्स पड़ जाएगा। आंच को मीडियम कर देंगे। लगातार चलाते हुए 5 मिनट हो चुका है, अब हम इसको गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो देखिए ये तैयार हो चुका है। लगातार चलाते हुए इसकी भाप निकाल देंगे, वरना इसमें पपड़ी पड़ जाएगी। ठंडा होने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पर, ठंडा होने के बाद इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। अगर जल्दी हो तो 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। इसकी लगातार चलाते हुए भाप ऐसे निकाल दीजिए। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, 2 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रखा था। देखिए कितना अच्छा स्मूथ बना है, ज़रा भी इसमें लम्स नहीं है। ये कुछ फ्रूट्स हैं, आप अपने मन पसंद का कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। चलिए इनको अब मिक्स करते हैं। इसमें हमने ये आइसक्रीम डाल दिया है, ये हमने आइसक्रीम डाल दिया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया। इसे हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाया है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप रमज़ान में इफ्तार में भी बना सकते हैं, और अगर अचानक मेहमान आ जाए और आपकी समझ में ना आया तो ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी भी होती है। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।